वेलकम बैक टू एसेट गाइड यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बनेगो सिस्टम से आपको पे आउट तो मिलता है, मतलब आप पे आउट ले सकते हैं और वो मिलता है दो करेंसी में, पहला है बिटकॉइन, दूसरा है यूएसडीटी। तो बिटकॉइन बीटीसी भी क्रिप्टो है एंड यूएसडीटी ये भी क्रिप्टो है, लेकिन यहाँ पर क्या है, चार्जेस ज़्यादा रहता है। तो चार्जेस ज़्यादा होने की वजह से इसमें आपका बड़ा अमाउंट टैक्स में या चार्जेस में कट जाता है। लेकिन यूएसडीटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर TRC20 एड्रेस पर चार्ज बहुत कम लगता है, दो चार आपके जो ट्रॉन कॉइन है वो कट जाते हैं, तो यहाँ चार्ज कम लगता है। तो चार्ज कम लगने की वजह से USDT में आप पेमेंट तो विड्रॉल कर लेते हैं, नो डाउट। लेकिन अब यहाँ पर एक दिक्कत और आ जाती है बड़ी, वो ये कि जब आप USDT में पेमेंट विड्रॉल करते हैं तो इंडियन कस्टमर के लिए ये रहेगा कि वो आपके क्रिप्टो या फिर क्रिप्टो वॉलेट में कर सकते हैं या फिर किसी एक्सचेंज वाले वॉलेट में उसको विड्रॉल कर सकते हैं। तो एक्सचेंज वाले वॉलेट से जब आप अपने बैंक में उसको ट्रांसफ़र कराएंगे तो यहाँ पर आपको 30% टैक्स देना पड़ेगा। तो ये इन्फॉर्मेशन कि आपको टैक्स मतलब पेमेंट लेना है। अब देखिए यहाँ पर ये जो बात हम कर रहे हैं इसमें बड़ी इन्फॉर्मेशन है, डीप इन्फॉर्मेशन ये कि जैसे आपने कोई सपोज़ करो आपने 1000 रुपये का कोई प्रोडक्ट सेल करा, ठीक है, उस प्रोडक्ट में आपका मार्जिन तो पहले ही 90% तो आपने कैश में लिया जो आपका ऑलरेडी था, मतलब 10% आपने यहाँ पर बन लिए, ठीक है, जो आपका प्रॉफिट मार्जिन था। उस 10% को आप 12 मंथ तक या फिर जो नेक्स्ट राउंड में अगर मिल भी जाता है तो उसमें मिल गया, उसके बाद आपका यहाँ जो प्रॉफिट था इस प्रॉफिट पे आपको 30% अलग से क्रिप्टो का टैक्स भी देना पड़ता है, प्लस 4% यहाँ पर TDS और SAS मिलाकर भी होता है, तो ये एक अलग से टैक्स बन जाता है। लेकिन अगर कुल मिलाकर बात ये कहें हम कि अगर ये क्रिप्टो में ना होकर डायरेक्ट यूरो में विड्रॉल मिल जाता, जैसे कि एडसेंस का पेमेंट मिलता है, ठीक है, या फिर पेपाल का पेमेंट मिलता है, तो इस तरीके से अगर यूज़र्स को ये जो यूरो का पेमेंट है वो डायरेक्टली मिल जाता तो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता, ज़्यादा उसको सेफ़ तरीके से या फिर कह सकते हैं कि सिक्योर तरीके से और वाइट तरीके से उसको विड्रॉल किया जा सकता था। क्योंकि अभी आप P2P के थ्रू करेंगे या फिर किसी को दूसरे को क्रिप्टो सेल करेंगे उस तरीके से करेंगे तो वो कहीं ना कहीं वाइट नहीं रहता, जहाँ तक मेरा मानना है, तो वाइट तरीके से अगर होता तो ज़्यादा बढ़िया रहता जब यूरो में आप डायरेक्ट उसको विड्रॉल करते। तो पेमेंट मेथड है ये तो अच्छी बात है, लेकिन क्रिप्टो में है ये थोड़ी सी गलत बात है। अगर ये इसके साथ साथ डायरेक्ट USDT में होता तो बहुत ही, डायरेक्ट यूरो में होता तो बहुत ही बढ़िया था इंटरनेशनल पेमेंट के थ्रू, और तब इसकी लीगलिटी भी बढ़ती। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एसेट गाइड।